क्लास एट में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेवंथ क्वेश्चन आ गया। सेवंथ क्वेश्चन बहुत बड़ा, बहुत लेंदी है, ठीक है, आराम आराम से बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को मैंने हाथ से बना के आपको समझाया है, वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करते जाने का है, ठीक है। तो पहला ग्रुप 1.5x माइनस 4y है, दूसरा ग्रुप 1.5x प्लस 4y प्लस 3 है, माइनस 4.5x प्लस 12y है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चूंकि मल्टीप्लाई में है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, आपस में मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों के बीच का साइन क्या है, कुछ नहीं है, यानी मल्टीप्लाई है। तो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, ठीक है। प्लस या माइनस बीच में आ गया, मतलब एक अलग ही वो ग्रुप बना लिया। तो चूंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं और इसमें भी कुछ कैलकुलेशन है नहीं, सीधा सीधा दिया हुआ है, तो इसको हम लास्ट में हर एक जगह में सिर्फ नीचे उतारते जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जब सब का सब प्लस माइनस में आ जाएगा तब उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सब का सब मैंने सीधा ही उतारता चला गया, ठीक है। तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, करना जो भी है इतना करना है, ठीक है, लेकिन लिखना तो साथ में जरूरी है, ठीक है। अब 1.5x का ये पूरे ग्रुप से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4y का ये पूरे ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब और ये सेम लिख दिए, ठीक है। अब 1.5x का ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए अलग अलग, 4y का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग कर दीजिए, फिर ये दोनों को लिख लीजिए, ठीक है। बड़ा है, करने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आराम से ध्यान से करेंगे तो आराम से होता जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 1.5 के नाम 2.25 होता है, तो 1.5 1.5 को आगे ले लिया और x x को आगे अब पीछे ले लिया, ठीक है। यहाँ 1.5 और 4 को कांस्टेंट वैल्यू को आगे ले लिया और x y को पीछे ले लिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है, वैसे यह सब जगह वैसे कर दिया, इसको तो सीधा उतार ही दिया, ठीक है। अब 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, 2.25 होता है, और x x कितना होता है, x स्क्वायर होता है, लिख दिया। 1.5 इंटू 4 कितना होता है, 6 होता है, x और y कितना होता है, x y होता है। ये 1.5 इंटू 3 कितना होता है, 4.5 होता है, x को x सीधा उतार दिया, ठीक है। ये कितना हुआ, तो 6 हुआ और y x हो गया, ठीक है। वैसे ही सब कंप्लीट कर दिया मैं, ठीक है, और इसको तो सीधा नीचे ले लिया। अब क्या है, 2.25 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2.25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6.0 मतलब 6 हो गया, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 4.5 एक्स हो जाएगा और ये 6 वाई एक्स हो जाएगा, ये 6 वाई स्क्वायर, ये 12 वाई, ठीक है, ये 16 वाई स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, 16 वाई स्क्वायर, ये 12 वाई है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था लिखने में, ठीक है, 16y स्क्वायर है, ये 12y है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप अंदर का ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट, इसको हटा दीजिए, हटा के जो है वो सीधा लिख दीजिए, ये 16y स्क्वायर है, दिखेगा, ये 16y स्क्वायर को नीचे लिया हूँ, ये 12y को नीचे लिया हूँ, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो है, इस ब्रैकेट अंदर का कैलकुलेशन होता है क्या, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो नहीं होगा, एक्स वाई है, होगा नहीं होगा, वैसे इसको भी देख लीजिए, मतलब अंदर का और कुछ कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है, लाइक टर्म्स होता तो हो जाता, लेकिन लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट है, ये 16y स्क्वायर है प्लस 12y है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं। ब्रैकेट को हटाने में ध्यान रखना है कि ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का जितना भी आइटम है सारा का साइन चेंज, ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये माइनस के वजह से इस माइनस को प्लस कीजिएगा, ये माइनस प्लस नहीं होगा और ये प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इस ब्रैकेट के अंदर के ही जितने भी टर्म्स है उसी को वो माइनस करेगा, ठीक है। तो ये सेम टू सेम लिख दिया, ये सेम टू सेम लिख दिया, ये माइनस, ये प्लस में था तो माइनस कर दिया, ये प्लस में था तो माइनस कर दिया, ये प्लस में था तो माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस 16y स्क्वायर है यहाँ पे और माइनस 12y है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये सेम टू सेम, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2.25x स्क्वायर को ले लिया 6xy के साथ में, एक्स वाई वाला जो भी टर्म था वो टर्म को आगे ले लिया, तो 6xy ये है, 6xy ये है, ठीक है, ये प्लस में माइनस में है, इसको आगे ले लिया, ठीक है। बाद में क्या किया, 4.5x है तो 4.5x के साथ में 4.5x वाले को आगे ले लिया, ठीक है। अब 16y स्क्वायर है, 16y स्क्वायर को लिया, 16y स्क्वायर जैसा कोई है ही नहीं, उसका 12y
लिया तो 12y कहाँ है, ये रहा 12y माइनस वाला ले लिया, बाद में प्लस वाला ले लिया, ये माइनस 12y है प्लस 12y है तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस सेम टू सेम वैल्यू 4.5 यहाँ भी 4.5 यहाँ भी है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, ये भी 6 है ये भी 6 है प्लस माइनस है, एक्स वाई टर्म सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा किया 2.25x स्क्वायर और 16y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 7th। ठीक है।